क्लास 11th एंड 12th ह्यूमैनिटीज़ में बहुत सारे बच्चों के स्कूल एग्ज़ाम चालू हो चुके हैं और जिनके भी नहीं हुए हैं उनके बहुत जल्द हो जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि स्कूल एग्ज़ाम साल में सिर्फ एक बार होते हैं, बार बार स्कूल एग्ज़ाम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात यह है कि बच्चे बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भैया आपने इतना प्यारा टाइम टेबल हमें बनाकर दिया था, हम उसे फॉलो कर रहे थे, लेकिन जैसे ही स्कूल एग्ज़ाम आते हैं पूरा टाइम टेबल बर्बाद हो जाता है और फिर स्कूल एग्ज़ाम के चक्कर में हमारा सिलेबस भी अच्छे से नहीं हो पाता है। तो स्कूल एग्ज़ाम बार बार आकर हमें डिस्टर्ब कर देते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इसी की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 11th और 12th में क्या सारे स्कूल एग्ज़ाम में आपको ध्यान देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, और आखिरी में कुछ टिप्स मैं शेयर करूंगा। आप 11th में हो या फिर 12th में हो, अगर ये टिप्स आप फॉलो कर लेते हैं तो स्कूल एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। इससे पहले मैं आपको सारी चीज़ें बताऊं, प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपके स्कूल एग्ज़ाम कब से कब तक हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और फिर आगे की वीडियोस इसी हिसाब से मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो अगर आप ये कमेंट कर देते हैं तो इससे मेरी बहुत मदद होगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्कूल एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है भी या फिर नहीं है। तो इसमें अगर हम क्लास 11th की बात करते हैं तो एक लाइन में मैं आपको आंसर दे देता हूँ, क्लास 11th में स्कूल एग्ज़ाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होते, पूरा पेपर स्कूल में बनता है, स्कूल में चेक होता है और आपका रिजल्ट भी स्कूल के एग्ज़ाम्स को देखकर ही बनाया जाता है। जैसा आप परफॉर्म करेंगे वैसा रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो अगर स्कूल एग्ज़ाम में आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप अच्छे मार्क्स स्कोर कैसे करेंगे? तो आपके स्कूल में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगी। उस चक्कर में अगर आपका टाइम टेबल भी ख़राब हो जाता है, डेली हैबिट्स जो आपकी हैं, डेली रूटीन है, उसमें भी दिक्कत आती है, तो कोई बात नहीं, आपको स्कूल के एग्ज़ाम पर फोकस करना चाहिए क्योंकि आपका रिजल्ट स्कूल के एग्ज़ाम को देख कर ही बनेगा। तो आई होप आपको अपना आंसर मिल गया होगा। लेकिन इसके बाद अगर हम क्लास 12th की बात करते हैं तो यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट है। इसके बाद मैं आपको टिप्स भी दूंगा, वो टिप्स आप फॉलो करेंगे तो 11th 12th दोनों में आपको मदद मिलेगी। तो देखिए मेरी क्लास में ना क्लास 12th में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो स्कूल के एग्ज़ाम में आग लगा देते थे। उनके स्कोर कुछ इस तरीके से होते थे, 99, 100, 98, 97, ओवरऑल रिजल्ट भी उनका ऐसा ही बनता था, 98%, 97%, और मेरा कभी भी इतना अच्छा नहीं बनता था। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे 60-70% बनते थे, नहीं, 87, 89, 91, 92 इतने मार्क्स में स्कोर करता था। सारे दोस्त मुझसे बोलते थे तुम पढ़ने में इतने अच्छे हो, स्कूल में तुम्हारे मार्क्स क्यों कम हो जाते हैं। टीचर्स भी बोलते थे कि हम आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं लेकिन एग्ज़ाम में ना जाने क्यों आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। मैं किसी को कोई भी जवाब नहीं देता था क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं कभी भी स्कूल एग्ज़ाम के लिए मन लगाकर प्रिपरेशन करता ही नहीं था। आप मेरी बात बहुत अच्छे से सुन लीजिए, स्कूल में आप कितनी बार भी टॉपर क्यों ना बन जाए, 100 में से 100 स्कोर क्यों ना कर लें, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में और CUT में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं तो ये मार्क्स आपके कोई भी मतलब के नहीं हैं। आप स्कूल के टॉपर हैं, कोई भी आपको याद नहीं रखेगा, आप अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस कर देंगे क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम में। लेकिन अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, CUT में अच्छा परसेंटाइल आप लेकर आते हैं तो आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिलेगा। बहुत सारे बच्चों को ये भी लगता है कि अब तो बोर्ड एग्ज़ाम की भी वैल्यू नहीं है, सिर्फ CUT का प्रिपरेशन करना चाहिए, तो ये भी गलत है। बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जहाँ पर 10th और 12th के मार्क्स भी देखे जाते हैं, तो 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर करना बहुत ज़रूरी है और फिर आपको CUT में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। तो अगर आप मेरी राय माने तो मैं कभी भी नहीं कहता हूं कि आपको स्कूल एग्ज़ाम पर ध्यान देना चाहिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया है कि अगर आपके अपने टीचर्स के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर स्कूल में आप टॉप 5 टॉप 6 में आ रहे हैं मतलब सब कुछ सही है, थोड़ी मेहनत करिए, अच्छे मार्क्स स्कोर करिए, लेकिन स्कूल एग्ज़ाम के पीछे अपना टाइम टेबल बर्बाद मत करिए। इसीलिए चैनल पर जो टाइम टेबल स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूँ उन्हें ज़रूर से देखिए। अब अगर हम टिप्स की बात करते हैं तो 5 टिप्स मैं शेयर कर रहा हूँ, इन्हें अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो 11th 12th के स्कूल एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कम नहीं होंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर करेंगे। टिप नंबर 1 निकल कर आती है, स्मार्ट वर्क करिए। स्कूल में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और PYQs को देखकर बनाए जाते हैं। कोई भी टीचर ऐसा नहीं करता है कि मन से क्वेश्चन वो बना रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं जो पास्ट में कभी नहीं आए।
हाँ हो सकता है एक दो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, लेकिन रेयरली ऐसा होता है। ज़्यादातर स्कूल में तो सैम्पल पेपर उठा के दे देते हैं, पुराने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा कर दे देते हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, एक अच्छी क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए, PYQs करिए, वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे हाई चांसेस है। तो आपका टाइम भी बचेगा, आप अपना टाइम टेबल को फॉलो कर पाएंगे। बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है, फिर से बता देता हूँ, आप गुरुकुल बाय ओसवाई का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, 11th 12th ह्यूमैनिटीज़ दोनों के लिए अवेलेबल है। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हैं, सोर्स बेस्ड भी हैं, पैसेज बेस्ड भी हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, सब कुछ देखने को मिल जाएगा, शॉर्ट नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैं लिंक डाल रहा हूं, आप चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन बैंक ले लीजिए गुरुकुल बाय ओसवाल और अपना प्रिपरेशन इससे अच्छे से करिए। तो जो चैप्टर आपके हो चुके हैं वहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे आप एग्जाम देने चले जाएंगे, लेकिन अगर कोई चैप्टर ऐसे भी हैं जो आपके नहीं हुए और आपके पास टाइम नहीं है, आप अपना टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, नोट्स कर लीजिए, स्मार्ट वर्क करिए, आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। फिर इसके बाद टिप नंबर 2, 20-80 रूल। आप सबने सुना होगा 20% सही मेहनत 80% रिजल्ट लेकर आती है। देखिए आपके एग्जाम में 4 चैप्टर आ रहे हैं, 3 चैप्टर आपने अच्छे से कर लिए, 1 चैप्टर अभी आपका नहीं हुआ है क्योंकि आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे थे, अपने हिसाब से पढ़ाई कर रहे थे। तो अब यहाँ पर हम स्मार्ट वर्क क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो वेटेज चेक करिए। कभी ऐसा तो होगा नहीं कि 4th चैप्टर से ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर तीन चैप्टर आपसे अच्छे से बन रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत सारे क्वेश्चन तो आपसे बनेंगे। अब ये 4th चैप्टर में आप क्या कर सकते हैं, हमारे नोट्स फॉलो कर लीजिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, और कुछ अगर डाउट रहता है तो बुक में उसको ठीक कर लीजिए, और बस चले जाइए एग्जाम देने। 20% मेहनत सही जगह पर करिए, वो 3 चैप्टर जो आप पहले से कर चुके हैं उन पर ज्यादा फोकस करिए, उनका रिवीजन अच्छे से करिए। एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शायद आपको थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे। तो स्मार्ट वर्क हमेशा करिए, 20-80 रूल को भी फॉलो करिए। फिर इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्कूल एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है अगर हम बोर्ड एग्जाम फाइनल एग्जाम की बात करते हैं। रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट डाला था, उसको आप सुनिए। क्लास 11th एंड 12th ह्यूमैनिटीज के बच्चों के बहुत जल्दी स्कूल एग्जाम्स होने वाले हैं। जैसे ही आपके स्कूल एग्जाम हो जाते हैं और उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाता है, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। आपको अपने टीचर्स के पास जाना है और उनसे पूछना है कि मुझे बताइए मैंने एग्जाम में क्या गलतियां करी, क्या ऐसी चीजें थी जिन्हें मैं इंप्रूव कर सकता था। वो आपको बताएंगे कि आपने आंसर फ्रेमिंग अच्छे से नहीं करी, या फिर आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी आंसर की, या फिर ग्रामर मिस्टेक आपने करी, या फिर आपने वर्ड लिमिट को फॉलो नहीं करा, या फिर टाइम मैनेजमेंट आपने नहीं करा। वो सारी चीजें आपको बताएंगे, और वो जो भी आपको चीजें बताएंगे उसे आपको बहुत अच्छे से समझना है और अपनी मिस्टेक्स को ठीक करना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो फाइनल एग्जाम में कोई भी सिली मिस्टेक्स आपसे नहीं होंगी और आप टॉपर बन जाएंगे। इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि स्कूल एग्जाम क्यों इंपॉर्टेंट है और इससे हम क्या सीख सकते हैं, तो इस टिप को भी जरूर से फॉलो करिए। फिर इसके बाद मैं एक टिप हमेशा फॉलो करता था स्कूल में, जिसको मैं बोलता हूँ सेल्फ एनालिसिस। जब हम स्कूल में एग्जाम देते हैं तो कुछ थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, यार इस आंसर में बहुत टाइम लग गया, यार ये तो परसों ही पढ़ा था आज कैसे भूल गए, यार आंसर तो बन रहा है लेकिन फ्लोचार्ट बनाते नहीं बन रहा है, यार टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। ये सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम देकर हम बाहर जाते हैं, दोस्तों से गप्पे लड़ाने लग जाते हैं, घर आ जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। ये गलती कभी भी मत करिए। एग्जाम देने के तुरंत बाद या फिर घर आने के तुरंत बाद एक कॉपी में वो सारे थॉट्स लिखिए जो एग्जाम के बीच में आपके आए थे, जैसे टाइम मैनेज नहीं हुआ, फ्लोचार्ट बनाते नहीं बना, ग्रामर मिस्टेक्स हो गई, या जो भी आपके साथ हुआ वो आप लिखिए। हर एक एग्जाम में यही करिए, और इसके बाद फिर देखिए कि हर एग्जाम में कौन से ऐसे थॉट्स थे जो एकदम सिमिलर थे। जो भी थॉट्स आपके सिमिलर थे वही थॉट्स हैं ये जो आपकी सबसे बड़ी इस समय वीकनेस है। अगर हर पेपर में आपसे फ्लोचार्ट बनाते नहीं बना, या हर पेपर में आपसे टाइम मैनेज करते नहीं बना, तो इस चीज पर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फाइनल एग्जाम में ये मिस्टेक्स आप दोबारा से करेंगे। ये ट्रिक मैं अपनाता था और आपको भी जरूर से अपनाना चाहिए। और इसके बाद आखिरी टिप, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि उन्हें पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, तो एंड स्क्रीन पर वीडियो डाल रहा हूँ जहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराया है कि कम टाइम में आप ज़्यादा कैसे पढ़ सकते हैं, वो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट्स में बताइए आगे किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, आप सभी को ऑल द बेस्ट, साइनिंग ऑफ गुरु टेक इंडिया।